नमस्कार, मैं सुमन ख्याली आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपने न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं खेड़ी माइनर पर, जहां जाहरवाला के खेत लगते हैं। आज सुबह 5 बजे अत्यधिक जल भराव के कारण खेड़ी माइनर टूट गई। किसानों ने 5 बजे प्रशासन को सूचित कर दिया था, लेकिन किसानों का कहना है कि 12-1 बजे तक प्रशासन का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचा था। किसानों ने अपने स्तर पर इस माइनर को बांधने का प्रयत्न किए थे। अभी तक जो माइनर टूट चुकी है उसको रोका नहीं गया है अभी, और किसानों का कहना है कि यहाँ पे लगभग 15 से 20 डालियों में पानी घुस चुका है। लगभग 4 से 5 कुएं हैं जो अत्यधिक जल भराव के कारण खराब हो चुके हैं, और लगभग 50 से 60 एकड़ की जो खड़ी फसल है उसमें पानी फिर गया है। तो चलिए हम उन किसानों से आपकी हुई बातचीत को सुनवाते हैं, और प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। 4:30 बजे जी। अच्छा, सुबह नुकसान है की तो नुकसान जी देख लिया, 25-30 किला तिली साइड है। अच्छा। 20-22 किला इली साइड है। अच्छा। एक और ढाणी है। अच्छा। एक इली साइड में यो ढाणी है, किशन बाबड़ की ढाणी है, है। बिल्कुल सरसों गुआर जाके देखो नष्ट हो गया, ठेला लग रही है ढाणी में। बाकी फसल है नरमो है, सहारो भर रही है, इतने पानी आ रही है। 1, 2, 3 और 4, 5 कुआं जी। किला तो एकड़ तो यो कुमारिया हो रहा है जी, तारवाड़ा से कुमारिया वहाँ तक पानी गया है। लगभग ये होगा 64-65 किला पानी फिर लिए। हाँ, ढाणी 3 ढाणी, एक तो कुमार लमोरिया की ढाणी है और एक जय सिंह गढ़वाल की है और एक किशन बाबड़ की ढाणी है। जाके देखो तो इतना नुकसान हुए है कि गुआर सरसी हुआ है वो टाबर बाहर बैठे और नरमे का किला जो है खराब हो गया। आप देख लियो फोटो खींच के। प्रशासन 12 बजे पुगी जी। प्रशासन को सूचित किया जी आपने? प्रशासन को सूचित किया जी। अच्छा जी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैंने उसको रोकने नहीं दिया। मैंने कहा पहले नहर टूट गई, हमने रोक दी। वो रोकने के बाद हमने रोकने के बाद में 3 बार पीछे टूटी है नहर, 3 जगह। उन्होंने ढाणी वालों ने आके मेरे को कहा है भाई आप इस नहर को वापस तोड़ो, भाई हमारी ढाणी डूब रही है, इसलिए हमने वो वापस तोड़ी। इसलिए प्रशासन को कहा, प्रशासन ने मेरे को एक बात कही, बोले मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ आपको, आप हमारे को रोकने देते हो या नहीं रोकने देते हो? मैंने मना किया है, उसके बाद उन्होंने मेरे को पुलिस की धमकी दी है, पुलिस आएगी, पुलिस आ रही है, उसके बाद में वो कार्रवाई होगी। तो उसके बाद में मैंने उसको कहा भाई मैं नहीं रोकने देता, चाहे बेशक पुलिस आ जाओ या प्रशासन आ जाओ, मैं नहीं रोकने दूंगा। पहले पीछे है ना, पहले मिट्टी डालो उसके बाद में आगे कार्रवाई करो। गोसाइयाणा, खेड़ी, कुमारिया, कागदाना और रामपुरा, इससे आगे गाँव पड़ते हैं और ये मोरी है, यहाँ तक ये पक्की बनी है। और खेड़ी, कुमारिया और गुसाइयाणा, इन गांवों में 2 हफ्ता नहर बंद होती है, 1 हफ्ता नहर चलती है। पीने की किल्लत आ जाए क्यों, नहर आते ही उरे टूट जाए, ये नहर वो यहाँ पक्की बनाई जाए तो ये समस्या दूर हो। सारों ज़्यादा हमारी मेन समस्या यही है जी, ये पक्की बनाई जाए। देख लो आप, मकान मेरा गिर रहा है, जाके देखो आप मौका, फिर देखना। पूरी ढाणी के अंदर पानी? हाँ, पूरे ढाणी के अंदर में पानी घुस गया। मकान में दरार एक साइड में आ रही है। अच्छा। एक साइड में आई है और पानी पूरा अंदर घुस गया। हमें 7 बजे सूचना मिल गई थी जी। लगभग कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है किसानों का? लगभग 20 एकड़ तो बता रहे हैं जी, हुआ है जी नुकसान कम से कम। प्रशासन ये तो कह रहे हैं भी हमने लगभग 5 बजे सुबह सूचना दी है, उसके बाद तकरीबन 1 बजे प्रशासन जो है वो यहाँ पहुँचा है। नहीं जी, देर भी है, नुकसान भी ज़्यादा बताया जा रहा है। मुख्य रीज़न क्या है सर, नहर टूटी क्यों है? देखो जी, लेट आने वाली बात तो गलत है। हमारे इससे पहले न्यू चूड़ी माइनर है एक, वो भी टूट गई थी, पहले वो बंदवाई, उसके बाद हम 4 वाला माइनर पे गए, वो भी टूट गई थी, फिर वो बंदवाई, उसके बाद जैसे हमें टाइम मिला हमने पानी कम करवाया और फिर हम यहाँ पहुँचे। नहर के टूटने का कारण है जी, बारिश बहुत ज़्यादा थी, कैचमेंट एरिया यहाँ का बढ़ चुका था, सभी शेयर होल्डर ने जो अपने वाटर कोर्स बंद कर लिए थे, जिसकी वजह से पानी खेत में जाने के बजाय नहर के अंदर इकट्ठा हो गया और ज़्यादा, और पानी ओवरफ्लो होने के कारण मिट्टी जो है वो वॉश आउट होगी। तो आपने देखा कि लगभग 13 घंटे बीतने के बाद भी माइनर को बांधने का काम चल रहा है। अब देखना ये होगा कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको लेकर प्रशासन क्या कदम उठाती है, क्या किसानों को उनकी फसल का मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब तक इस नहर को बांधने का काम जारी रहेगा। बने रहिए आपने न्यूज़ के साथ, मैं सुमन ख्यालिया।